आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। प्रदेश के कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस पर मीडिया से हुए रूबरू, कहा 50 योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन की वजह से हुआ है यूपी नंबर 1, बना है देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। कोविड टीकाकरण को ज्यादा से ज्यादा करवाने के लिए सोमवार से दस्तक अभियान का किया गया शुभारंभ। जिलाधिकारी एवं सीएमओ ने कहा 1494 टीमें घर घर जाकर के देंगी दस्तक, फैलाएंगी जागरूकता, कोविड टीकाकरण कराने के लिए करेंगी लोगों को तैयार। तैतीस साल से भगवा खेमे का अभेद किला बनी हुई है गोरखपुर शहर की विधानसभा सीट। 1989 से कांग्रेस का सूरज डूबा तो अभी तक निकला ही नहीं, बोहनी तक नहीं हुई सपा और बसपा की। छब्बीस जनवरी पर आयोजित होने वाले पासिंग परेड का फुल ड्रेस रिहर्सल पासिंग आउट परेड सकुशल हुआ संपन्न। एसएसपी ने ली पासिंग आउट परेड की सलामी, कमियों को दूर करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बीएलओ एवं शिक्षकों द्वारा मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए ऑनलाइन गोष्ठी हुआ संपन्न। कहा स्कूल बंद होने के कारण शिक्षा से वंचित बच्चों को ई पाठशाला से जोड़ने के लिए किया जाएगा प्रेरित। दीवानी की एज के बाहर शुक्रवार को हुई युवक की हत्या के बाद न्यायालय परिसर की बढ़ाई गई सुरक्षा, लगाए गए बैरियर। सीओ कैंच व बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने दीवानी न्यायालय परिसर का किया निरीक्षण, कहा वकीलों से भी लिया गया है सुझाव ताकि बेहतर तरीके से प्रदान किया जा सके सुरक्षा। आगामी विधानसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए जनपद पुलिस ने एसएसबी पीएसी जवानों के साथ 78 बैरियर पॉइंट पर वाहनों की चेकिंग। एसपी सिटी ने कहा यह चेकिंग अभियान आगे भी चलता रहेगा चुनाव तक। एलईडी प्रचार वाहन को भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष ने पार्टी कार्यालय से झंडी दिखाकर किया रवाना, कहा एलईडी प्रचार वाहन सदर विधानसभा ग्रामीण विधानसभा में जाकर सरकार की योजनाओं से लोगों को करेगा जागरूक, 2022 में दोबारा बनेगी प्रदेश में भाजपा की सरकार। गोरखपुर में सोमवार को पाए गए 188 नए कोरोना संक्रमित मरीज, जिले में घट रही है एक्टिव केस की संख्या। अब एक्टिव केस की संख्या हुई 2081, सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने की पुष्टि। बुढ़वा मंगल पर गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए जनपद पुलिस की तैयारी हुई पूरी। एसपी सिटी ने कहा बुढ़वा मंगल पर पीएससी बाहरी जनपदों से पुलिस कर्मियों व जनपद पुलिस की मंदिर परिसर में लगाई गई है ड्यूटी। भाजपा युवा मोर्चा सदर विधानसभा की बैठक क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह की अध्यक्षता में पार्टी कार्यालय पर हुई संपन्न। प्रत्येक वार्ड में 150 युवाओं से संपर्क बनाकर 20-20 युवाओं की टोली बनाकर जनसंपर्क करने का कार्यकर्ताओं को दिए निर्देश। और सोमवार को जिला अस्पताल सहित जनपद में कुल 321 केंद्रों पर 33,443 लोगों को किया गया कोविड का टीकाकरण। फर्स्ट डोज लेने वालों में 8,847 लोग तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 23,414 लोग रहे शामिल। सीएमओ ने नागरिकों से की अपील, कहा अपनी नजदीकी सेंटर पर पहुंचकर अवश्य करवाएं वैक्सीनेशन। चुनाव में ड्यूटी करने वाले फ्रंटलाइन वर्कर्स को 9 महीने की बजाय 3 महीने पर ही लगाया जाएगा बूस्टर डोज।